डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हम आपके नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के आखिर में तमाम सवालात के आपको जवाब आते। तो सवाल नंबर 1 है, खून पानी से कितने गुना भारी होता है? सवाल नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो है तो हराम लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? सवाल नंबर 3, वो कौन से वाहद पाकिस्तानी शायर हैं जिन्हें रूसी इनाम लिनन प्राइज़ मिला है? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी की किस किताब में मौजूद है? उर्दू ज़बान के पहले शायर कौन हैं? यूरोप का दिल किस मुल्क को कहा जाता है? किस मुल्क में सांप नहीं पाए जाते? किस मुकाम पर पाकिस्तान के 5 दरिया आपस में जा मिलते हैं? जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी कब और क्यों दी गई? पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? तो सवाल नंबर जो 1 है उसका जवाब सुने, खून पानी से 4 गुना भारी होता है। वो कौन सी चीज़ है जो है तो हराम लेकिन पीने से सवाब मिलता है? वो गुस्सा है। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के वाहद पहले शायर हैं जिन्हें रूसी इनाम लिनन प्राइज़ मिला है। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी की किताब चिरागे सहर में मौजूद है। उर्दू ज़ुबान के पहले शायर अमीर खुसरू हैं। यूरोप का दिल जर्मनी को कहा गया है क्योंकि ये माली इतबार से एक कामयाब मुल्क माना जाता है। न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। बहावलपुर के मकाम हेड पंजन पर पाकिस्तान के 5 दरिया आपस में जा मिलते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी काबुल क्यों दी गई? सियासतदान नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को कत्ल करवाने के जुर्म में 4 अप्रैल 1979 को इन्हें फांसी दी गई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अगली वीडियो आपको अच्छी लगे, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।